हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी अब्बा की दुआ से, अल्लाह के फजल से हम लोग सब बहुत खुश हैं। आप भी खुश रहना, आबाद रहना। फ्रेंड्स, मेरा न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग फजर के नमाज़ के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर मैं आ गई हूँ किचन में। मैं रात को बर्तन नहीं धोई थी, बर्तन में से झूठा निकाल कर अभी फेंक दूँगी बाहर और थोड़ा सा बर्तन भिगा के रख दूँगी ताकि मुझे धोते टाइम आसान हो जाए। आज मैं बनाऊंगी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बच्चे के लिए लंच बॉक्स में, और राइस बनाऊंगी। आज ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूं मैं, ब्रेकफास्ट बच्चा बाहर से कर लेगा, कैंटीन से भी कर सकता है और होटल में भी खा सकता है, उसकी मर्ज़ी, जहां चाहे वहां खा लेता है। अभी मैं चावल धो के रख दूँगी, एक गिलास चावल बना रही हूँ तीनों के लिए और दो गिलास पानी डाल दूँगी। अभी पहले मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, साथ ही साथ दूध भी गर्म करने रख दूँगी। मैं सुबह उठते ही दो गिलास से ज़्यादा पानी पी ली हूँ, फिर जाके चाय पी रही हूँ। आपको भी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है तो आप पहले पानी पी लो फिर चाय पी लो, डायरेक्ट चाय मत पीना, एसिडिटी हो जाती है, अच्छी बात नहीं है हेल्थ के लिए। अभी चाय चढ़ा दूंगी, उससे पहले गैस ऑन कर लिया, सिलेंडर ऑफ़ था। डेली राइट के टाइम सिलेंडर ऑफ़ करके सोती हूँ मैं, कभी भूल जाती हूँ बोलकर। हर रोज़ मेरे हस्बैंड फ़ोन कर डेली याद दिलाते हैं सिलेंडर ऑफ़ किया क्या बोलकर। इंशाल्लाह मैं तो डेली ऑफ़ कर ही सोती हूँ, आप भी आदत कर लो, सिलेंडर ऑफ़ करके ही सोना है, आदत में शामिल कर लो। आपको किचन में काम नहीं है उस टाइम भी ऑफ़ करो, क्योंकि सिलेंडर ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी है, आदत कर लो, आदत हो जाएगा, आदत नहीं है तो। साथ ही साथ दूध भी गर्म करने रख दूंगी, बच्चा को दूध पिला के भेजूंगी। बैंगन आलू को काट रही हूँ अभी, देखना छोटे छोटे हैं, तीन बैंगन और तीन आलू है। बैंगन ऐसे ही सूखे सूखे दिख रहे हैं, लाते टाइम ही ऐसे थे ये बैंगन, आजकल अच्छे बैंगन नहीं आ रहे, ऐसे ही दिखते हैं उजले वाले बैंगन। काले काले बैंगन रहते ना वो अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, पहले अच्छा सा धो रही हूँ। मैं ध्यान नहीं दिया, वो वॉल क्लॉक ना इसका बैटरी ख़त्म हो गया है, रॉन्ग चल रहा है वो। मैं सोच रही हूँ क्या है टाइम ऐसा क्यों है बोल के सोच रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में क्लॉक लगा लिया, क्योंकि मैं ना खाना बनाते टाइम देखते देखते बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को जल्दी से चले जाते हैं ना, मुझे लेट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं टाइम देखते देखते करती हूँ, अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेती हूँ, तब जाके मैं टाइम पर सब कुछ बना सकती हूँ। इसलिए इधर टाइम रहना मुझे ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने उधर कील लगाकर ये एक मेरे लिए क्लॉक लगा दिया, देखते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। एक छोटा साइज का ऑनियन भी काट लूँगी, अभी तो सारे सब्जियाँ कट गए। फ्रेंड्स, आप न्यू हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना आपको मेरा ये वीडियो कैसा है बोलकर, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आलू बैंगन को पानी में डाल के रखी थी, थोड़ा सा साल्ट डालकर, देखना
मेरा अशरफ अभी उठा है, छोटा बेटा मेरा अभी उठा, मतलब फजर का नमाज को मस्जिद को जाके आया था, नमाज पढ़ के आके थोड़े देर लेट गया, इसको ना फिर से आंख लग गई थी, अभी उठा है, अभी जाके ये रेडी हो जाएगा। मेरे बच्चे उड़ते ही सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मम्मी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। सलाम दुआ है ना, सलाम को आम करना चाहिए, इसलिए सलाम करना बच्चों को सिखाना भी चाहिए। उड़ते ही सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बा बोलकर बच्चों को आदत डालना चाहिए। एक बार आदत बचपन में डाल दो, वो आदत छूटेगा नहीं। घर में जितने भी लोग रहेंगे ना, बच्चे उड़ते ही सबको अस्सलाम वालेकुम बोल देंगे। चलो अभी मैं चाय पी रही हूँ, चाय ना गरम है लेकिन वो पतीला ठंडा हो गया था, इसीलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट पकड़ लिया उसको। इतना गरम तो मैं पकड़ लेती हूँ क्योंकि इतने सालों से किचन में काम करती हूँ, तो गुनगुने आइटम तो पकड़ लेती हूँ, हाथ जलती नहीं है मेरी। अभी देखना आलू बैंगन का साले में मैं तड़का लगा रही हूँ, प्याज फ्राई होने के बाद अच्छा सा फ्राई करूँगी प्याज को, और आलू बैंगन को उठा के डाल दूँगी। अदरक लहसुन मसाला भी थोड़ा सा डालना था लेकिन मैं भूल गई थी, अदरक लहसुन मसाला का डिब्बा ना फ्रिज में रखी नहीं थी, डीप फ्रिज में रख दी थी, वो एकदम सा जम गया था। मैं ढूंढ रही थी फ्रिज में, ढूंढ ढूंढ के टाइम वेस्ट कर दिया, बाद में फिर मैं डीप फ्रिज ओपन किया तो मैं वो डिब्बे को ना डीप फ्रिज में रखी थी। कभी कभी मैं ऐसे कर देती हूँ, क्यों करती हूँ पता नहीं, कर देती हूँ, भूल जाती हूँ, दूसरा काम करते करते जो काम करती हूँ वो काम को भूल के कहीं भी रख देती। चलो अभी कोई बात नहीं, ऐसे ही सिंपल सा बना रही हूँ। अभी टमाटर काट लिया, दो टमाटर, टमाटर डाल दूँगी। आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी अच्छी ही बनी थी, टेस्टी थी। थोड़ा सा अच्छा सा भून लेंगे इसको थोड़ी देर, उसके बाद पानी डालकर सीटी लगाएंगे। लेकिन अभी मिर्ची के डब्बे में ना मिर्ची ख़त्म हो गया था, अभी थोड़ा सा मिर्ची फाट के डाल दूँगी। ये देखना मसाले वाली लाल मिर्ची पाउडर है, सारे मसाले रहते बोलती थी ना मैं, देखना मिर्ची आके मेरा नोज पीस पे पड़ गया, हल्दी पड़ गया। माशाल्लाह आलू बैंगन अच्छा फ्राई होने के बाद लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अभी टमाटर भी काटी थी ना, वो भी डाल दूँगी, डालकर अच्छा सा भून लूँगी। मीडियम आँच पे इसको थोड़े देर ना भूनने के लिए छोड़ दूँगी। पहले ये हल्दी और मिर्ची पड़ा था ना मेरे नोज़ पीस के ऊपर, उसको क्लीन कर लूँगी। चावल बन गया हमारा, बंद कर दिया चावल को। अभी सब्जी भी ना अच्छा सा फ्राई हो रहा है, देखना अभी इसमें पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालकर दो सीटी लगा दूँगी, आराम से पक जाएगा ये। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, रेड कलर में, और थोड़ा सा टेस्ट भी किया मैं, क्योंकि पकने के बाद फीका रहता है तो अच्छा नहीं लगता इसलिए। और मैं सारे झूठे बर्तन जो भी है प्लेटफॉर्म पे सारे लाके सिंक में डाल दिया एक एक करके, और मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर रही हूँ, और मैं बर्तन भी धो दूँगी। अभी बर्तन साथ साथ काम करते रहूँगी क्योंकि पूरा दिन तो बर्तन आते ही रहते हैं, घर का काम होता ही रहता है। अभी किचन क्लीन करी थी ना इसलिए अच्छा सा हैंड वॉश कर लिया। अभी बच्चे को ना दूध मिला रही हूँ, दूध दे दूँगी छान कर, मेरे बच्चे को छान के देना चाहिए वरना उल्टी कर देते। देखना मलाई कितना आया, मेरे बच्चे मलाई वाला दूध बिल्कुल नहीं पीते, बचपन से आदत है उनकी, जब भी मलाई वाला दूध देते हैं तो तुरंत उल्टी कर देते मेरे बच्चे। मेरे बच्चे को दूध दे दिया, वो पी रहा है, मैं साथ ही साथ बर्तन धो रही हूँ, पानी में विम लिक्विड डाल लेती हूँ, उसी से धो लेती हूँ। एक डिब्बे में ना कचरा डालती हूँ, एक डिब्बे में ना विम लिक्विड डालती हूँ, इसलिए दो डिब्बे उधर रखती हूँ ताकि मुझे आसान रहे। सारे बर्तन धो लूँगी अभी, साथ ही साथ काम होते रहेगा। अभी टाइम कितना हुआ है पता है,
सात भी नहीं हुआ है, सात से पहले मेरे इतने काम हो रहे हैं, 6:30 या 7:15 हुआ होगा। जैसे ये कुकर में सब्जी बन जाएगी ना हमारी, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा ना, तो मैं बॉक्स पैक कर कर बच्चा को भेज दूँगी। वैसे तो अभी टाइम है, चाय पत्ती भी छान के डिब्बे में डाल दिया, इसीलिए मैं वो डिब्बा उधर रखी हूँ, क्योंकि कुछ भी गंदगी रहता है ना डिब्बे में डाल देती, वरना बच्चे ना शिंग में डाल देते, वो फिर पाइप में जाके जाम हो जाता है, इसलिए वो डिब्बा रखी हूँ। ऐसा एक दिन हुआ था पिछले महीने, मुझे कहीं जाना था उसी टाइम जाम हो गया था, परेशान हो गई थी मैं, इसलिए ये डिब्बा इधर रखी हूँ। देखना सारे बर्तन धो लिया अभी, ये कचरे भी फेंक दिया, कचरा वाला डिब्बा भी धो रही हूँ अभी, जितने भी झूठे बर्तन हैं सारे धो लिया अभी मैं। अभी अशरफ भी रेडी होके आ गया, बस अभी कुकर को ढक्कन ओपन करना है, बस बॉक्स पैक करना है। ऐसे तो मुझे बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाई हूँ ना, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम मिला है, वरना बर्तन इस टाइम मैं नहीं धो सकती, बच्चे जाने के बाद ही धो पाती हूँ। देखना माशाल्लाह सब्जी भी बन गया हमारा, राइस भी रेडी है, अभी बॉक्स पैक कर दूँगी मैं, गरम गरम है सब। अल्लाह हाफिज़ यूट्यूब फैमिली, मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना आप लोग। और फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।